वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 28 जून और 28 जून की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का कौन सा पुलिस स्टेशन स्मार्ट सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का सतारा जिले का रहीमतपुर पुलिस स्टेशन। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहीमतपुर पुलिस स्टेशन स्मार्ट पुलिसिंग अवधारणा के आधार पर एक सर्वेक्षण में राज्य के शीर्ष पुलिस स्टेशन के रूप में उभरा है। और ये जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट अकाउंटेबल पुलिस स्टेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसको सर्वे को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निष्पादित किया है और इसी के आधार पर इसकी रैंकिंग बनाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे जो सतारा में रहीमतपुर पुलिस स्टेशन है वो स्मार्ट सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 27 जून, ऑप्शन डी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाता है और 2017 के बाद से सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपने कार्य की मान्यता के इस दिन के रूप में मनाते हैं। और ये उद्यम जो आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रमुख रिपोर्ट लॉन्च करेगा जिसमें द SME कम्पिटिटिवनेस आउटलुक 2019 बिग मनी फॉर स्मॉल बिजनेस इस शीर्षक पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में ही होगा। ठीक है, तो हाल ही में इसका जो दिवस मनाया गया वो 27 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। तो सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इसका विषय इंडियन MSME ग्लोबल एस्पिरेशन होगा और ये 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस का अनुपालन करने हेतु इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा जारी समारोहों के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय SMSE सम्मेलन 2019 का जो दूसरा संस्करण है वो 28 से 29 जून 2019 तक आयोजित किया जाएगा। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, किस देश को वर्ष 2026 की शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? देखिए ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं, जनरली इसको शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता है। हालांकि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं उनका महत्व अधिक होता है लेकिन शीतकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो वर्ष 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे वो कहाँ पर किए जाएंगे? तो इटली में किए जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो टीम मिलान कार्टिना का प्रतिनिधित्व करने वाले लोम्बार्डी और वेनेटो की समृद्ध उत्तरी इटावली क्षेत्र में 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इटली की बोली को IOC प्रतिनिधियों द्वारा 47 से 34 के वोट के अंतराल पर स्टॉकहोम और स्वीडन अरेकी रिसोर्ट के बीच एक दोहरी बोली और एकमात्र अन्य उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? इटली में। देखिए जो भी विभिन्न खेल घटनाक्रम है या विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हैं वो कहाँ पर आयोजित की जाएंगी भविष्य में उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 25 जून, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए 7 देशों के क्षेत्रीय समूह बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने 25 जून 2019 को ढाका में बिम्स्टेक दिवस मनाया।
और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और कार्यवाहक उच्चायुक्त विश्वदीप डे ने इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, मर्सिडीज की ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीती है और इस सीजन में 8 रेसों में उनकी ये छठी जीत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती है कि वो कितने महान खिलाड़ी हैं, कितने महान फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। उन्होंने 8 रेसों में 6 जीत दर्ज कर चुके हैं अभी तक, और अभी इस वर्ष के कैलेंडर में कुछ और रेस का भी आयोजन होना बाकी है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की रेस का आयोजन इंडिया में भी हुआ था, लेकिन केवल और केवल 2 जो रेस थी वो आयोजन होने के बाद इसका आयोजन भारत में बंद कर दिया गया। जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहाँ पर इस रेस का आयोजन किया गया था। तब वहाँ पर दोनों रेसों को सेबिस्टियन वेटेल ने जीता था। ठीक है, तो आपको 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छ पखवाड़ा कब मनाया है? तो इसका आंसर रहेगा 1 जून से 15 जून तक, ऑप्शन ए सही होगा। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाली संस्था ने 1 जून से 15 जून 2019 तक स्वच्छ पखवाड़ा यानी कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है, और इस अवधि के दौरान MNRE ने, यानी कि जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसने श्रमदान, स्वच्छता अभियान जैसे कर्मचारियों, व्याख्यानों और सेमिनारों में विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो प्रमुख हैं वो हैं राजकुमार सिंह, राइट। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता विजया निर्मला का कब निधन हो गया? तो इसका आंसर रहेगा 27 जून, ऑप्शन डी सही होगा। तो दिग्गज अभिनेत्री फिल्म निर्माता विजया निर्मला का हैदराबाद में निधन हो गया है। विजया निर्मला तमिलनाडु में जन्मी थी और वो दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे कुशल महिलाओं में से एक थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया था। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? यानी कि IOC का जो सदस्य चुना गया है वो नरेंद्र बन्ना को चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बन्ना को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, जिन्होंने 62 में से कुल 58 वोट हासिल किए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नरेंद्र बन्ना को IOC का सदस्य बनने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है, जबकि वो एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख भी हैं, और ये गौरव प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय भी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खेलों के मामले में ओलंपिक खेल सबसे बड़े खेल होते हैं, और इसकी जो संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो IOC के जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाक्स। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस संधि पहल की विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। तो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने नई दिल्ली में पेरिस संधि पहल पर विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है, और ये बैठक अफगानिस्तान में होने वाली ऑपरेट्स की तस्करी के उत्पन्न अवैध वित्तीय प्रवाह पर केंद्रित है। बैठक का आयोजन ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग द्वारा किया जा रहा है। बैठक में पेरिस संधि के सदस्य देशों के प्रतिनिधि, UNODC के क्षेत्रीय प्रतिनिधि और DRI, ED और NCB जैसी भारतीय एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि UNODC के जो महानिदेशक हैं वो हैं UT फोटोरेव। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था, सबसे पुरानी नौसेना एयर स्क्वाड्रन 550 की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरक जयंती, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और बात करते हैं आज की क्विज के सवाल की। तो आज की क्विज का जो सवाल है वो है, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल।
तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आप उसमें से एक दो पॉइंट बता सकते हैं। और वैसे भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो स्कीम किस राज्य की है और उस स्कीम के अंतर्गत क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ सभी वीडियो आपको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म को सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाती हैं। बहुत ही बड़े लेवल पर टेलीग्राम ऐप का यूज होता है, तो आप भी यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।